नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रेनू यादव। केमिस्ट्री का फिफ्थ चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को पूरा समझाने से पहले मैं आपको उसको टुकड़ों में समझाऊंगी और फिर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पर आएंगे, जो आप टिपिकल एक बड़ा सा चार्ट देखते हैं। ठीक है, माना थोड़ा सा अलग तरीका है समझाने का, लेकिन ट्राई करो, समझ में आएगा, याद भी हो जाएगा। चलो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल शुरू करने से पहले दो चार बातें बता देती हूँ आपको। एक तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, यानी एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज किया गया है कि वो कॉन्सिक्यूटिव एटॉमिक नंबर उनके इंक्रीज होते चले जाएंगे। ठीक है ना, इसका क्या मतलब है सब समझ में आएगा, सिर्फ ध्यान से सुनो। पहले एटॉमिक नंबर एक बार रिवाइज कर लो। किसी भी एटम में न्यूक्लियस होता है, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, उसके बाद शेल्स होते हैं और इन शेल्स में होते हैं इलेक्ट्रॉन। हर एक शेल की अपनी एक अलग कैपेसिटी होती है और उसी के हिसाब से वो इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्यूपाई करके रखता है। अब जैसे सोडियम है तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12, एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13, 14, फॉस्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17 और आर्गन हो गया हमारा 18। ठीक है, तो एक तो ये समझ लीजिए कि ये तो है एलिमेंट्स के नाम, ये है इसके एटॉमिक नंबर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पीरियोडिक टेबल मॉडर्न वाली एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है। और अब हमें इसका लिखना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ शांति से सुनो, सब समझ में आ जाएगा। यहाँ आ गए हम, आप 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी कॉन्फिगरेशन पढ़कर आए हैं। यानी अगर आप सोडियम की बात करते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो आप जानते हैं कि इसका कॉन्फिगरेशन, सोडियम का कॉन्फिगरेशन होगा 281। ठीक है, 281 यानी जो बाहर वाला शेल है उसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। इतना समझ में आया, चलो वेरी गुड। जो आउटरमोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वैलेंसी अलग चीज होती है, वो हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आगे डिस्कस करेंगे, आएगा इस चैप्टर में। अभी हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है? वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो किसी भी एटम में आउटरमोस्ट शेल में रह जाते हैं। अंदर कितने उससे फर्क नहीं पड़ता, आउटरमोस्ट शेल में कितने। तो सोडियम के केस में एटॉमिक नंबर 11 था, कॉन्फिगरेशन हुआ 281, आउटरमोस्ट शेल में हुआ एक इलेक्ट्रॉन, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ एक। क्लियर? मैग्नीशियम की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर 12, तो ये इसका मतलब कॉन्फिगरेशन हो जाएगा 282। एटॉमिक स्ट्रक्चर वही रहता है, मैं बार बार नहीं बना रही हूँ, हर एक एटम का अलग, हर एक एलिमेंट के लिए आप अलग ही एटम बनाते हैं, पर ढांचा तो वही रहता है, तो इसी में समझा देती हूँ। मैग्नीशियम मतलब 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन और आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। मैंने अभी आपको बताया आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहलाए जाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नीशियम के आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन में हुए 2 इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम की बात करते हैं, कॉन्फिगरेशन हो गया 283, यानी बाहर वाले शेल में, यानी इस आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन हुए 3, वैलेंस शेल हुए 3। सिलिकॉन में 14, एटॉमिक नंबर 14 मतलब कॉन्फिगरेशन 284। इसका मतलब जो बाहर वाला शेल है भाई, इस ये न्यूक्लियस है, इसके इधर शेल में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 हैं, इसमें 8 आ सकते हैं 8 हैं। जानते हो ना ये के शेल है, ये एल शेल है, ये एम शेल है, 9th में पढ़कर आए हो ना बच्चों। तो के शेल की तो टोटल कैपेसिटी 2 ही इलेक्ट्रॉन की है, 2 हो गए, फिर अगले में एल में 8 हो गए और एम में पर्टिकुलरली सिलिकॉन के केस में 4 इलेक्ट्रॉन बचे, 1, 2, 3 और ये हो गया 4th। अब 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब आउटरमोस्ट शेल में हो गए 4 इलेक्ट्रॉन, चलो वेरी गुड। फॉस्फोरस की बात करते हैं, मैं फिर से आपसे कह रही हूँ, मैं वैलेंसी की बात नहीं कर रही हूँ, आप कंफ्यूज मत होइए, सिर्फ जो मैं कह रही हूँ उसको ध्यान से सुनिए और बस उतना ही सोचिए, हम वैलेंसी की बात बाद में करेंगे। कई बच्चे यहीं से वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, सिर्फ ध्यान से सुनो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटरमोस्ट शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब फॉस्फोरस की बात करते हैं, एटॉमिक नंबर हो गया इसका 15, तो कॉन्फिगरेशन हो गया 285, यानी जो बाहर वाला शेल है भाई, इन सारे फर्स्ट और सेकंड शेल का तो वही सेम हाल है, 2 और 8 इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे, सिर्फ बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। तो फॉस्फोरस के केस में बाहर वाले इलेक्ट्रॉन में 5 इलेक्ट्रॉन, बाहर वाले शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए 5। सल्फर के केस में एटॉमिक नंबर 16, कॉन्फिगरेशन 286। आप देख रहे हो ना, अंदर के दोनों शेल्स तो बराबर ही है, 282 ही चलता आ रहा है,
बाहर वाले शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5 और ये लोग बना दिया छठा। जैसे ही मैंने यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन ऐड किए, ये हो गया सल्फर का एटम। आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन की भी बात कर लेते हैं। चलिए, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फिगरेशन 2, 8 एंड 7, ठीक है। यानी बाहर वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये हो गया 7वां इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एटम का जो टोटल स्ट्रक्चर है वो वही है, उसके बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके बेसिस पे उसका नाम और उसका पूरा प्रॉपर्टी सब चेंज हो जाएगी, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, बार बार मैं एटम नहीं बना रही हूँ, उसकी ज़रूरत नहीं है, आप एटम पढ़ के आए हैं। आटोमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। चलो आर्गन की बात कर लेते हैं। ये नोबल गैसेज होते हैं। जिस भी एलिमेंट के बाहर वाले शेल में कंप्लीशन हो चुका है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो वो होता है नोबल गैसेस। नोबल गैसेस अनरिएक्टिव गैसेस होते हैं, अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस उनको रिएक्ट कराया जाता है। तो आप हमेशा याद रखिए, अगर आप आर्गन या और इस तरीके के गैसेस या एलिमेंट्स देखते हैं जिसका आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट है, जैसे कि 18 मतलब कॉन्फिगरेशन 288, तो आउटरमोस्ट शेल में या तो 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तीसरे शेल की आप बात कर रहे हो, अगर के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आप पढ़कर आए हैं, और एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होने चाहिए, पर अगर 8 है तभी भी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो क्योंकि 18 एटॉमिक नंबर है तो आउटरमोस्ट शेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इस 8 इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि आर्गन का ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट होने का मतलब होता है कि ये अनरिएक्टिव है, और अनरिएक्टिव जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सबको हम कहते हैं नोबल गैसेस, ठीक है, नोबल गैसेस। ओके फाइन, चलो नाउ कम बैक टू द टॉपिक। अब आप देखिए कि पीरियोडिक टेबल में अगर आपसे ये पूछा जाए, हाउ विल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन वेरी इन अ पीरियड व्हेन यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये पूछा जा सकता है, या फिर प्रेडिक्शन पूछी जाएगी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे वेरी करते हैं एक पीरियड में, ठीक है। तो आप देखिए, ये आपको याद करना पड़ेगा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन, ठीक है। एटॉमिक नंबर मैंने लिख दिए हैं। आपने देखा कि हर एक शेल में, हर एक एटम में तीन शेल थे, 1, 2, 3, 1, 2, 3, इसका भी मैं अभी मतलब बताऊंगी, अभी सिर्फ इस पर फोकस करते हैं। चलो, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख रहे हो आप कैसे बढ़ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 पे आके खत्म हुआ। इसका मतलब आप लिखेंगे कि when we move from left to right, आपका right ही right माना जाएगा, आपका left left माना जाएगा, ठीक है। When we move from left to right in a periodic table, the valence electron of elements increases, और ये जो लगातार increase होता है ना एक एक number करके, इसी को कहते हैं consecutive increase, ठीक है ना, या consecutive sequence, right? So when you move from left to right in a periodic table, the valence electron will increase, जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये हुआ valence electron का variation in a period। आप जानते हैं, अब तक मेंडली वगैरह पढ़कर आए हैं, आप जानते हैं कि किसी भी periodic table में ये जो लंबी rows होती हैं, ये कहलाई जाती हैं periods, और ये जो columns होते हैं, ये कहलाए जाते हैं आपके groups। और क्योंकि हमने एक लंबी रो ली है तो ऑफ कोर्स हम बात कर रहे हैं पीरियड्स की, हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये कॉन्जिक्यूटिव एटॉमिक नंबर कहलाए जाएंगे। अगर आप ये वर्ड कहीं पढ़ते हैं कॉन्जिक्यूटिव एटॉमिक नंबर, तो आप समझ जाइए हर एक एटॉमिक नंबर में एक एक नंबर की बढ़ोतरी होती जाएगी, 11 के बाद 12 के बाद 13 के बाद 14, ठीक है। चलो एक जॉइंट पॉइंट सुन लो। अब आप देख लीजिए, इसका कोई लेना देना नहीं है, अब जो मैं आपको बता रही हूँ, आप देखिए हर एक शेल में, हर एक एलिमेंट में तीन ही शेल है ना, 281, 282, 283, 284, हाँ कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हूँ, 285, 286, 287, 288। अब जब आप ये देख रहे हैं कि इन सबके पास तीन शेल है, तो आप ये मान के चलिए कि ये पीरियड नंबर 3 को बिलोंग करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ शेल्स एटॉमिक नंबर के हिसाब से जब आप इलेक्ट्रॉन्स को शेल्स में बांटते हैं, तो नंबर ऑफ शेल्स बताते हैं कि आप कौन से पीरियड के एलिमेंट्स के बारे में बात कर रही हैं, क्योंकि इस सीक्वेंस में जितने भी एलिमेंट्स हैं
सबके पास तीन तीन शेल है, इसका मतलब हम थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। इसके अलावा जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ेंगे, भले वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, वैलेंसी हो, साइज ऑफ एटम हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, हर एक में हम पीरियड नंबर थ्री का ही जिक्र करेंगे। इसलिए मैंने आपको ये बात यहाँ बता दी, इसका इस चीज का वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है, पर आप समझ जाएंगे। किसी भी एटम में चार शेल है, यानी कि वो पीरियड नंबर फोर को बिलोंग करता है। किसी भी एटम में तीन शेल है, 1 2 3 KLM, तो वो थर्ड पीरियड को बिलोंग करता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। एक और बात सुन लो ध्यान से, अगर किसी के भी बाहर वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप नंबर वन को बिलोंग करेगा, ग्रुप नंबर टू को बिलोंग करेगा, ग्रुप नंबर ये सीधे 13 होगा। ठीक है, यहाँ 4 आएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये पीरियड नंबर आप नहीं बोलेंगे। ठीक है ना, पीरियड नंबर ग्रुप नंबर नहीं बोलेंगे। ये ग्रुप नंबर वन है, ये ग्रुप नंबर टू है, ये ग्रुप नंबर 13 है, ये ग्रुप नंबर 14 15 16 17 18 है। ठीक है, अब क्यों है ये 3 से लेके 12 तक, आप ये क्यों नहीं कहते ये ग्रुप 3 को बिलोंग करता है या ग्रुप 4 को बिलोंग करता है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। सिर्फ एक छोटा सा अंदाजा आपको देना चाहती थी कि अगर आपसे पूछा जाए कि ये कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है या कौन से पीरियड को बिलोंग करता है, तो नंबर ऑफ शेल्स बताते हैं कौन से पीरियड को बिलोंग करता है। आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बताते हैं कि कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है। खैर, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है, डायरेक्टली पूछा जा सकता है, हाउ विल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन वेरी इन अ पीरियड ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो आपको अब जवाब मालूम है, व्हेन यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज फ्रॉम 1 to 8, यही आपका आंसर होगा। और इसमें आपको 3 नंबर देने से कोई नहीं रोक सकता, बशर्ते आप या तो एलिमेंट का नाम लिखिए या फिर सिंबल बना के आइए, क्योंकि आप केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो वहां पर सिंबल बनाना इज अ बेटर चॉइस। नाम लिखने से नहीं होता, आप सिंबल ही बनाएंगे, सिंबल से ही माना जाएगा कि आपने ठीक लिखा है, क्योंकि कई बार बच्चे सिंबल नहीं लिख पाते हैं। ठीक है, तो अगर आप सोडियम मैग्नीशियम नाम नहीं लिखेंगे, सिर्फ सिंबल लिखेंगे तो चलेगा। तो आपको आंसर ऐसे ही लिखना है, इधर लिखिए एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के नाम लिखिए, फिर लिखिए एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर लिख दीजिए, और फिर लिखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए। अगर ये 3 स्टेप आपने फॉलो कर लिए, ये एलिमेंट्स लिखना, ये आपका एटॉमिक नंबर लिखना, और ये वैलेंस शेल लिखना, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखना, तो आपको 3 में से 3 नंबर देने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इसी से रिलेटेड आप हल्की फुल्की 1-2 लाइन की थ्योरी लिख देंगे, बस 3 में से 3 नंबर आपको डेफिनेटली मिलेंगे, 110% मिलेंगे, ये कोर कंटेंट है। ठीक है, चलिए, तो आज हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा, हाउ इट वेरीज इन अ पीरियड। ठीक है, कुछ छोटी मोटी बातें भी हमने सीख ली हैं, तो ऐसे धीरे धीरे हम और कुछ कवर करेंगे। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो प्लीज आप उसको पूछिए, ताकि आप रट्टाफिकेशन ना करें। ठीक है, अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।